जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। दो भारतीय न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। तारीख 24/9/2023। आइए जानते हैं हम लोग 12 राशियों का फल। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को, आपको आज के दिन कोई नई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, अथवा आप किसी बिजनेस में आज हाथ डालेंगे, वह काम आपका सिद्ध संपन्न होगा। दूसरी राशि है वृक, वृक राशि वालों को अचानक धन लाभ के संकेत एवं भाग का उदय, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन, मिथुन राशि वालों को आपको आज वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव की बेचैनी हो सकती है, किंतु आपका कोई काम या धन अटका है प्राप्त हो सकता है। पांचवी राशि सिंह, सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार वालों से, मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे और कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। छठवीं राशि है कन्या, कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा एवं आप किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा का भी संयोग बन सकता है। सातवीं राशि तुला, तुला राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, अटका हुआ काम या पैसा आपका कहीं रुका है प्राप्त हो सकता है। आठवीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भाग का उदय या किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। नवम राशि है धनु, धनु राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित थे तो नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग एवं अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। दसम राशि है मकर, मकर राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी चली जा रही थी वह कम हो सकती है, किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो वह भी आज उससे निजात मिलने के योग बन रहे हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ, कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कोई घर परिवार मित्र के माध्यम से आप कोई नया व्यापार या कोई काम शुरू कर सकते हैं। बारहवीं राशि है मीन, मीन राशि वालों को आपको शुभ सूचना, मांगलिक शुभ कार्य की स्थितियां बन सकती हैं एवं मशीनरी जैसे काम या प्लॉटिंग का काम आप आज के दिन शुरू करते हैं तो आपको आज बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।